लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेवंथ ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सेवन दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज थ्री टैंकर्स कंटेन फोर जीरो थ्री लीटर फोर थर्टी फोर लीटर्स एंड फोर सिक्सटी फाइव लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली थ्री टैंकर्स हैं उसमें ये अलग अलग क्वान्टिटी ऑफ डीजल भरा हुआ है फाइन द मैक्सिमम कैपेसिटी हमें क्या निकालनी है मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है कंटेनर की दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ थ्री कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी निकालनी है जितना कि मेजर कर सकें डीजल तीनों कंटेनर का एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल जिससे कि हम अपने डीजल को मेजर कर सकें ऑफ द थ्री कंटेनर्स तीनों कंटेनर के डीजल को मेजर कर सकें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स जिससे कि हम हमें मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है डीजल की जिससे कि हम तीनों कंटेनर्स डीजल के एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेज़र कर सकें तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है और मैक्सिमम का मतलब होता था एच निकालना है तो देखिए हम लिख लेते हैं कैपेसिटी क्या है फर्स्ट टैंकर कैपेसिटी है हमारी कैपेसिटी है हमारी दैट इज़ 403 ज़ीरो थ्री लीटर्स राइट सेकेंड टैंकर कैपेसिटी कितनी है दैट इज़ 434 थर्टी फोर लीटर और थर्ड कैपेसिटी के पास थर्ड और थर्ड टैंकर कैपेसिटी कितनी है हमारी 465 सिक्सटी लीटर तो हम अब हमें क्या निकालना है एच निकालना है जिससे कि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स तीनों कंटेनर डीजल की कैपेसिटी का मैक्सिमम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स निकाल सकें तो एच सी एफ ऑफ किसका निकालना है फोर ज़ीरो थ्री फोर थर्टी फोर एंड फोर सिक्सटी फाइव का तो हम डिवीज़न मेथड इजी था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उससे हम क्या निकाल लेंगे एच सी एफ निकाल लेंगे तो देखिए फोर थर्टी फोर पहली टू डिजिट्स ली मैंने और बड़ी वैल्यू अंदर लिखी और छोटी वैल्यू बाहर फोर ज़ीरो थ्री अब ये वन टाइम ही जाएगा फोर ज़ीरो थ्री तो कितना बच गया वन एंड थ्री बचा और अंदर क्या आ गया फोर ज़ीरो थ्री आ गया अब देखते हैं ये कैसे जाएगा थर्टी वन देखिए थर्टी वन वन साइज थर्टी वन और ये आया नाइन बज गया नाइन्टी थ्री एंड थर्टी वन थ्री जाइज नाइन्टी थ्री तो देखिए थर्टी वन ऐसा नंबर है जिसने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया राइट अब थर्टी वन से हम फोर सिक्सटी फाइव को भी डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है तो देखिए फोर सिक्सटी फाइव को मैं थर्टी वन से डिवाइड करती हूँ तो थर्टी वन वन जाइज थर्टी वन तो ये कितना आ गया फाइव वन और फाइव और थर्टी वन फाइव वन फिफ्टी फाइव होता है राइट right? तो देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल है तो हमारा एच सी एफ कितना आ गया तो हमारा एच सी एफ आ गया दैट इज थर्टी वन और क्योंकि यूनिट लीटर्स में थी इसलिए लीटर्स तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ कंटेनर या टैंकर इज टैंकर आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट दस फाइंड द लीस्ट नंबर हमें लीस्ट नंबर निकालना है छोटे से छोटा नंबर निकालना है विच वेन डिवाइडेड बाय अगर वो नंबर हम सिक्स से फिफ्टीन से और एटीन से डिवाइड करें तो लीव्स रिमेंडर फाइव इन ईच केस तो हमारा फाइव रिमेंडर बचे हर एक केस में ऐसा कौन सा नंबर है तो देखिए जब भी एल निकालना लीस्ट नंबर मीन्स एल सी एम लीस्ट नंबर निकालना हो और उसको हम किसी नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर बचे तो हम क्या करते हैं उसका एल निकाल लेते हैं उन नंबर्स का और जो नंबर आता है उसमें हम रिमाइंडर एड कर देते हैं क्यों ऐड कर देते हैं वो बताऊंगी मैं तो देखिए एल कह रहा है सीधा सीधा तो एल निकाल लेते हैं एल किसका निकालेंगे एल ऑफ सिक्स फिफ्टीन एंड एटीन का निकाल लेंगे तो चलिए एल निकाल लेते हैं सिक्स फिफ्टीन और एटीन का तो देखिए ये टू से जाएगा सिक्स और एटीन तो टू थ्री जिक्स फिफ्टीन एज इट इज़ लिख देंगे टू नाइन ज एटीन अब ये सारे नंबर थ्री से जाएंगे थ्री वन ज थ्री थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन थ्री थ्री ज़ा नाइन अगेन थ्री से चला जाएगा वन एज इट इज़ फाइव एज इट इज़ थ्री वन ज़ा थ्री और फाइव वन ज़ा फाइव राइट तो एल सी एम कितना आ गया हमारा देखिए टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव ये हमारा एल सी एम आ गया तो ये कितना आ गया टू थ्री ज़ सिक्स सिक्स थ्री ज़ एटीन एंड एटीन फाइव जज़ नाइन्टी अब लेकिन अगर हम देखिए इसकी बात प्रूफ करने के लिए कि रिमाइंडर फ़ाइव बचाना चाहिए तो ये नंबर को अगर हम सिक्स से डिवाइड करेंगे या फिफ्टीन से भी करके दे सकते हैं या आप एटीन से भी करके देख सकते हैं मैं सिक्स से करके दिखा रही हूँ सिक्स वन जो सिक्स थ्री बचा थर्टी हो गया एंड सिक्स फाइव ज़र्टी तो ये सिर्फ करके दिखा रही हूं येलो पार्ट का तो देखिए कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है और वो कह रहा है फाइव रिमाइंडर बचना चाहिए तो हम इस नंबर में फाइव ऐड कर देंगे और वो जो नंबर आएगा उसको अगर आप सिक्स फिफ्टीन या एटीन से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा हमेशा फाइव रिमाइंडर बचेगा राइट तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या जाएगा? आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा नाइन टी प्लस फाइव जो रिमाइंडर बचा था फाइव उसे हमने ऐड कर दिया तो हमारा नंबर कितना हो गया नाइन्टी फाइव तो नाइन्टी फाइव ऐसा नंबर है जिसको आप सिक्स से फिफ्टीन से या एटीन से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा फाइव रिमाइंडर बचेगा आंसर